हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रोग परीक्षा, यानी आप बीमारी की परीक्षा, डिजीज का असेसमेंट कैसे करते हो उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके रोग निदान सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक है और फाइनल ईयर में काय चिकित्सा का भी एक टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे डिजीज को असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। कोई भी चीज़ को अगर आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में रट के लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट अगर इसी को आप क्लिनिकली रिलेट करने की कोशिश करो देन यू विल फाइंड इट हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग। तो आज हम देखेंगे रोग परीक्षा, यानी कि आप डिजीज का असेसमेंट कैसे करते हो। साथ में एक टॉपिक आता है रोगी परीक्षा, यानी हम पेशेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं रोग परीक्षा के बारे में। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग कैसे असेस करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे वो हम देखते हैं। तो आचार्य चरक ने ये बताया हुआ है कि हम कैसे, या कोई भी जो एक वैद्य है वो कैसे एक रोग और रोगी की परीक्षा करेगा। हमारे आयुर्वेद में 5 चीजों का वर्णन मिलता है जिसको हम पंच निदान या निदान पंचक कहते हैं, जिसमें फर्स्ट है निदान, जिसको हम मॉडर्न में एटियोलॉजिकल फैक्टर्स से कोरिलेट कर सकते हैं। अब निदान का मतलब क्या होता है, कोई भी जो मेन कारण है कोई भी बीमारी को उत्पन्न करने में, उसको हम निदान यानी हेतु कहते हैं। जैसे अगर डेंगू वायरल फीवर हुआ, किसी को डेंगू हो गया तो वो मच्छर के काटने की वजह से हुआ, तो मेन कारण कौन है वहां पर, मच्छर का काटना। तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी इसको हम निदान कहते हैं कि जो मूलभूत कारण है किसी भी रोग को यानी डिजीज को उत्पन्न करने का, उसको हम निदान मानते हैं यानी एटियोलॉजिकल फैक्टर मानते हैं। 2 तरीके या 3 तरीके से वो हो सकता है, जैसे आहारज निदान, यानी आपके कुछ खाने पीने की वजह से कोई भी डिजीज हुई। दूसरा आता है विहारज निदान, यानी आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ होने की वजह से वो बीमारी हुई। और तीसरा आता है अन्य, अन्य में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं कि चोट लगने की वजह से, है ना, या फिर कोई अटैक की वजह से, गिरने की वजह से, या फिर किसी भी बाहरी आगंतुक जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, उसके वजह से जो भी आपको डिजीज हुई होती है। सेकेंड आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है जो बीमारी अभी उत्पन्न नहीं हुई लेकिन उत्पन्न होने से पहले के जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम पूर्व रूप कहते हैं, यानी कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे हम नॉर्मली कभी कभी कहते हैं कि गले में खराश हो रही है, गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, नाक में थोड़ी इचिंग हो रही है, शायद मुझे जुखाम होने वाला है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये जो हम बोलते हैं कि हाँ ये बीमारी होने से पहले जो आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको आप पूर्व रूप या फिर प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूप। रूप यानी कि जो भी अब बीमारी है वो उत्पन्न हो गई है, यानी वो बीमारी हो चुकी है और अब जो आपको साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीवर हो गया है, ज्वर हो गया है, तो क्या हो रहा है कि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, गर्म चीजों से बिल्कुल नफरत से हो गई है कि हाँ मुझे कुछ गर्म नहीं खाना है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठंडा खाने की इच्छा हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है कि हाँ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यही जो है वो रूप यानी साइन और सिम्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट 4th आता है थेरेप्यूटिक टेस्ट। जब इन सब चीजों से नहीं समझ में आता है तो क्या किया जाता है कि कोई भी औषध है, मतलब कोई मेडिसिन है वो पेशेंट को दी गई, उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई गई, खाने पीने की कुछ मॉडिफिकेशंस बताई गई और उससे टेस्ट किया जा रहा है कि इसको या उस पेशेंट को इससे फायदा हो रहा है या उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं यानी नुकसान हो रहा है। तो उससे हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज थेरेप्यूटिक टेस्ट, उसी को हम उपशय कहते हैं। लास्ट आता है संप्राप्त, जिसको हम मॉडर्न में पैथोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कोई भी बीमारी कैसे आपकी बॉडी में एंटर हुई, या वो जो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है या वायरस है वो आपकी बॉडी में कैसे एंटर हुआ, उसके बाद वो आपकी बॉडी में कैसे मल्टीप्लाई हुआ, कैसे उसने सिम्टम्स को उत्पन्न किया है, तो ये जो पूरी पैथोजेनेसिस है उसी को हम संप्राप्ति कहते हैं। फ्रॉम द एंट्री ऑफ दैट पॉजिटिव एजेंट फ्रॉम द इन योर बॉडी टिल द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, यानी जो भी निदान है, जो भी कारण है आपकी बॉडी में एंटर हुआ, और वहां से जो आपके बीमारी होने तक का सफर है पूरा, जो पाथवे है, उसी को हम संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, तो वो किस कारण से हुआ, अंदर जो भी कारण था और
उसके बाद उसने कैसे हमारे चैनल्स को ब्लॉक किया कि जो हमारा पित्त दोष है वो बढ़ गया और हमारे चैनल्स ब्लॉक्ड हैं, जिस वजह से वो पित्त जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। तो क्या हो रहा है, ज्वर की उत्पत्ति हो गई और ये सारे सिम्टम्स आ गए। तो ये क्या है, पैथोजेनेसिस। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड रोग परीक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ यू फाइंड इट वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर हिट द सब्सक्राइब बटन।